अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें हरियाणा का एक यंगस्टर बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता हरियाणा में, दिल्ली में चेंज हो सकता है, यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चेंज ला सकती है तो हरियाणा में भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है, सिर्फ नीयत की कमी है। क्या बनाता है नीयत? नीयत मीन्स वॉट? देखिए, नीयत मीन्स आप देश हित और जो जिम्मेदारी, सामाजिक या प्रशासनिक जिम्मेदारी आपको मिली है, आप पूरी तरीके से समर्पण भाव से उसे निभाने में लगे, अपने हित को ना देखें। मुझे लगता है वही एक साफ नीयत की सबसे सरल परिभाषा है। और हम लोगों की भी यही कोशिश रही है कि देश हित में, समाज के हित में जितना काम कर सके करें। जो काम अरविंद जी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, ये और सरकारें भी कर सकती थी। कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों को ये आइडिया आ सकते हैं, बहुत साधारण से आइडिया है। हो सकता है इनका काफ़ी सारे आइडियाज़ के बारे में तो कई बार ही लिखा भी जा चुका है, कॉपी भी हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स, कॉपी तो अब हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट होने से पहले, दिल्ली में ये चीज़ें लागू होने से पहले कई बार लोग, बुद्धिजीवियों ने लिखे, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने इन बारे में चीज़ें लिखी, एक्सपर्ट्स ने लिखी। तो कोई ऐसे ही कोई बहुत एक्सेप्शनली ब्रिलियंट आइडियाज और प्रयोग नहीं है, साधारण चीज़ है, लेकिन साफ नीयत से उसे लागू किया। अब जो फ्लाईओवर 400 करोड़ का बनता था वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 150-200 करोड़ में बना दिया। कैसे बन गया? तो साफ नीयत है, नहीं तो 400 का 800 में बनता है और ठेकेदार से पैसे भी अलग लिए जाते हैं। दिल्ली में एमसीडी का पुल जो है, आज हम उसका जिक्र करते हैं, पैसे भी लिए जाते हैं अलग से ठेकेदार। तो एक वो पूरी व्यवस्था को, सिस्टम को बदल दिया, वो व्यवस्था परिवर्तन जो हुआ है, वो राजनीति में जो परिवर्तन आया है, वो तो उसके लिए तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी का, देश का एक एक आदमी उनका ऋणी है जो वो बदलाव लेकर आए हैं।